नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज जून स्टार्ट हो गया है, बस जिसे कहते हैं ना कि फाइनल मंथ। इस बार शायद ना कैलेंडर ऐसा चल रहा है कि 30 जून इज़ द संडे, तो पता नहीं, मुझे को लगता है कि एग्जैक्ट 1 जुलाई मंडे वुड बी द टाइम जब एमसीसी का राउंड वन स्टार्ट होगा, और फिर शायद उसके 10-11 दिन बाद या एग्जैक्ट 15 दिन बाद स्टेट का राउंड वन शुरू होगा। और सब कुछ अगर सिस्टम से चला तो आराम से इस बार 31 अगस्त तक काउंसलिंग ख़त्म करके हम सितंबर में अपने अपने कॉलेजेस जा सकते हैं। क्योंकि अगर एक जुलाई को स्टार्ट हो जाता है तो 60 दिन बहुत होते हैं सारी काउंसलिंग ख़त्म करने में, एक राउंड 15 दिन का ही होता है, और स्टेट्स का स्ट्रे मॉपअप तो नाम के बराबर होता है। खैर, ये बात किसी, ये वीडियो किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपके लिए है, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं जब काउंसलिंग करने आते हैं, स्पेशली जिनके पास NRI है। और देखिए, जहाँ पर भी सरकारी कॉलेज में NRI सीट्स हैं, विच इज़ मोस्टली राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, कहने को पंजाब में भी है, बट पंजाब में क्या होता है, कैंडिडेट खुद NRI होना चाहिए या उसके पेरेंट्स, दैट मीन्स NRI स्पॉन्सर्ड नहीं चलता फ्रॉम फर्स्ट ब्लड रिलेशन। पर जैसे ही जिसके पास फर्स्ट ब्लड होता है, दैट मीन्स आपका सगा, चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी NRI हैं या उनके बच्चे, तो सबको क्वेश्चन आता है, सर फिर सरकारी ना अप्लाई कर ले राजस्थान का या उसका। मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, और फिर से चाहे वो राजस्थान का सरकारी NRI हो, चाहे वो हरियाणा की कुछ NRI सीटें जो सरकारी में है, PGMS रोहतक में और कल्पना चावला में, या हिमाचल की NRI या गुजरात की NRI, या जहाँ पर भी सरकारी कॉलेज में NRI सीट्स हैं, वो भी आपको काउंसलिंग से ही मिलनी है, मेरिट से ही मिलनी है। पहली बात तो ये है, ठीक। दूसरा, लोगों ने बड़ी गलतफहमी होती है कि सरकारी कॉलेज में फ़ीस कम है। देखिए, सरकारी कॉलेज में NRI लाए क्यों गए हैं, सिंपल कारण मैं आप हमेशा लोगों को समझाता हूँ, खासकर जब वो राजस्थान की 9 लाख फीस वाली सीट आती है, जिसको मैं डेटोरी भाषा में सेमी गवर्नमेंट बोल देता हूँ, वो लोग पेड सीट बोलते हैं। पॉइंट मेरा ये होता है कि 9 लाख रुपये फीस है, जो वैसे कम नहीं है। तो देखिए, जब नए कॉलेज खोले गए, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि MBBS कॉलेज खोलना एक बहुत महंगा सौदा है, उसको चलाना एक बहुत महंगा सौदा है। एक MBBS के बच्चे पे साल में एक्चुअली 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, या कम से कम 10 लाख तो पकड़ के चलिए। तो प्राइवेट कॉलेज तो आपसे फीस ले लेता है, सरकार पहले तो कॉलेज अस्पताल बनाए, उसके बाद अगर 150 की स्ट्रेंथ है और रनिंग कॉलेज में वो टोटल मिला के 700 बच्चे हो जाएंगे, तो 10 लाख × 700 मोटा मोटी 70 करोड़ रुपया प्रशासन सरकार की जेब से जाना है आपके लिए, प्लस जो अस्पताल चल रहा है वो तो अलग है, उसका का अस्पताल भी फ्री होता है मोटा मोटी, पर ये 70 से 100 करोड़ रुपया हो गया जो सरकार ने खर्च करना है फ्री में आपको पढ़ाने के लिए, राइट। 100 करोड़ रुपये छोटी रकम नहीं होती है ना, तो किसी स्टेट में अगर 40 कॉलेज चल रहे हैं, 30 कॉलेज चल रहे हैं UP में, अब सोचिए 4 से 5 हज़ार करोड़ हो जाता है, अगर स्टेट का बजट 3 लाख करोड़ है, तो इट्स ए गुड 1% ऑफ गिविंग यू फ्री एजुकेशन ऑफ मेडिकल। और इसी वजह से सरकारी बॉन्ड होते हैं कि भाई साल दो साल हमारे स्टेट की सर्विस करो। तो कुछ सरकारों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम भी अपने आप को, जैसे बोलते हैं, पैसा कमाएं, और राजस्थान ने वो 9 लाख की फ़ीस लॉन्च कर दी, या कई स्टेट्स में NRI फीस लॉन्च कर दी गई, पर वो जो NRI का पैकेज है वो 1 CR के पार जाता है। अब जो मैं आपको कई बार समझा चुका, मेरा वीडियो साहब सब लोग सुन चुके, कि भाई सरकारी कॉलेज कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं होता, एक्चुअली आउट ऑफ 10 पैरामीटर्स द 2 पैरामीटर्स विच वुड बी गुड इज पीयर ग्रुप, जो मैं आपको समझाता हूँ कि ठीक है भाई, हम बाकी सारे बच्चे 600 प्लस होंगे, तो आपका बच्चा 250 वाला था, तो 600 प्लस के बीच बच्चों के बीच में पढ़ेगा तो मोटिवेटेड फील करेगा, एंथुजियास्टिक फील करेगा। कोई ये भी कहता है कि सर उसमें गड़बड़ ना हो जाए, कि पता चले उनकी कंपटीशन में आगे घबराई ना जाए, तो मैंने भाई ये, मैं ये हमेशा खुल के बोलता हूँ जो मेरे पास काउंसलिंग लेने आते हैं, कि आपका बच्चा 250 नंबर गलती से आ गए, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से आ गए, बैड एग्ज़ाम डे की वजह से आ गए, कि उसकी हैसियत ही 250 नंबर लाने की थी, तब शायद 600 नंबर में भेजना रिस्की हो जाता है। बट एनीवे, वन इज़ गुड पीयर ग्रुप एंड सेकेंड इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट फ्लो, राइट। बट बाकी जो फैक्टर है, क्लास का इन्फ्रा, कॉलेज का इन्फ्रा, हॉस्टल का इन्फ्रा, खाना, वो सब तो बहुत ही ख़राब होगा, मतलब चूँकि सरकारी कॉलेज है। तो अगर हम 1 CR प्लस खर्च करने वाले हैं, अगर आप 200 नंबर भी हैं, 280 मार्क्स भी हैं, तो आपको तो भाई 1 CR के बजट में तो एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा ना, विद पेशेंट फ्लो। ठीक है, उस कॉलेज में 600 प्लस वाले मार्क्स वाले नहीं होंगे, दैट इज़ समथिंग विच वी कैन थिंक ऑफ, कि बच्चा बहुत लायक था, हर प्रैक्टिस टेस्ट में 600 मार्क्स आते थे, लेकिन असली टेस्ट में गड़बड़ हो गई, 250 नंबर रह गए, और हमारे पास NRI के जेन्युइन पेपर्स हैं। तो मैं आपको ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर
आपको लगता है कि आपका बच्चा 600 प्लस वाला था एंड ही शुड बी इन द कंपनी ऑफ अदर 600 प्लस स्टूडेंट्स, तो आप सरकारी कॉलेज का एनआरआई ट्राई कीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की 250 की ही औकात थी या हैसियत थी, पार्डन माई वर्ड, तो भाई बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं ना जो आपको 1.1 के बजट में वैसे ही पढ़ा देंगे एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग एल्स। और उस कॉलेज में शायद जो पीयर ग्रुप होगा वो बच्चे के लेवल का ही होगा, उसी हिसाब से सारी क्लास के बच्चे आगे बढ़ेंगे। सो आई थिंक दैट कैन बिकम योर बेंचमार्क कि आपको सरकारी एनआरआई लेनी है या नहीं लेनी है। दूसरा, मैं ये भी जानता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, कई लोग चक्कर में लेते हैं कि दुनिया को ये कहते हैं कि देखो जी हमारा बच्चा बड़ा होशियार था, नंबर 250 आए थे, आप बोलते हो 680 आए थे, और देखो उसे अपने आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा मिला या IGMC शिमला मिला है, जबकि आपने NRI रूट के थ्रू सीट ले रखी होती है। फ्यूचर में से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई PG में अलग से आपको कोटा नहीं मिलने वाला, तो सोच समझ के लीजिए। जैसा मैंने आपको बेंचमार्क दे दिया, अगर आपका स्टूडेंट 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस वाली लीग का था और गलती हो गई पेपर वाले दिन और आपके पास NRI है, तो डेफिनेटली वी कैन ट्राई फॉर NRI सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज, पर वो भी सब के सब काउंसलिंग से मिलनी है। तो कोई जुगाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जो आपको हमेशा कहते हैं कि हमारे चार्जेस एक्स्ट्रा हैं फॉर दैट सर्विस, इट इज़ ओनली बिकॉज टू कोऑर्डिनेट इन द पेपर वर्क एंड ऑल, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी पेपर्स बनाने होते हैं जो काफ़ी लोग गलत बना देते हैं, तो वो सब कोऑर्डिनेशन में हेल्प करने की हमारे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं टू गेट यू NRI सीट और मैनेजमेंट सीट और दोस काइंड ऑफ सीट्स और नेगोशिएबल नेगोशिएटिंग सीट, क्योंकि उसमें हमारी भी काफ़ी रेपुटेशन स्टेक पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर करेगा कि सरकारी NRI किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, और कोई बहुत हवा नहीं है सरकारी कॉलेज पढ़ना। ओके, हैव अ नाइस डे। आप जानते ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9643362320, और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, वी ऑलवेज डू पेड कॉल पेड काउंसलिंग, तभी फ़ोन कीजिए जब हमारे चार्जेस देने को तैयार हैं। 2500 रुपये रहते हैं पहली फ़ोन कॉल के, 5000 रुपये अगर आप वीडियो कॉल में मिलना चाहो, और फिर हम पैकेज डिसाइड करते हैं जो नॉर्मली हमारा 30, 50, 75 हज़ार है, 30,000 फॉर गवर्नमेंट एंड होम स्टेट प्राइवेट, 50 फॉर 2 to 4 स्टेट्स, मोर देन इस 75,000 जिनमें 6-7 स्टेट्स होते हैं, जनरली उनके लिए होता है जो 510-520 वाले, एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव कर्नाटका एज अ ऑप्शन विद इन लो बजट, और छत्तीसगढ़, एंड 1.5 लाख इज़ टू डू दी अदर कोऑर्डिनेशंस ऑफ नेगोशिएशन एंड ऑल दैट, जो मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और अब एग्जैक्ट 30 दिन बचे हैं, आई थिंक ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी आजकल में, और फिर आप और अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जब रिजल्ट आएगा मिड जून में, तो आपको आपकी रैंक पता चलेगी, हमें पता चलेगा कि इस बार पेपर एक्चुअली कितना आसान था, और जो 20 से 24 लाख बच्चे होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो रैंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम डे टू डे भाषा में नंबर बोल देते हैं 270, 280, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ योर ऑल इंडिया रैंक, और वही रैंक हर जगह काउंट होती है, आपके नीट के स्कोर कार्ड पे भी लिखी है ये ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। कैटेगरी रैंक भी लिखी होती है जो सरकारी सीटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या उन स्टेट्स में जहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन प्राइवेट कॉलेज में भी है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।